ऊंट में 10 हिस्से हैं या 14 हिस्से हैं? 14 तो कभी भी नहीं सुना, 10 हिस्से बाज़ दफ़ा बाज़ आइमा का किराय है कि ऊंट में कुर्बानी में 10 हिस्से हैं, लेकिन जमहूर के नज़दीक ऊंट में 7 हिस्से ही हैं और हनफिया के नज़दीक भी 7 हिस्से हैं और एहतियात भी इसी में है। तो इसलिए दोनों तरफ रिवायात हैं। अब इख्तलाफी मसाइल में ज़्यादा शिद्दत भी जायज़ नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा दलाइल में लोग उलझते हैं, फिर एक दूसरे पर तंज करते हैं। अभी तो ये सीज़न चलेगा इख्तलाफी मसाइल का कुर्बानी में और फड्डेबाजी होंगी, तो इसी फड्डों से बचने के लिए उलमा ने कहा है कि भाई एक फ़िका को फॉलो करो, दूसरे पर तंज न करो। तो ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग फ़िका हनफी को फॉलो करते हैं, तो और एहतियात का तकाजा भी यही है कि 7 हिस्सों से ज़्यादा ऊँट में हिस्से ना डाले जाएँ, तो इसलिए ऊँट में 7 हिस्से ही कुर्बानी के होंगे, जो सही कॉल है हमारी राय में। तो 7 हिस्सों से ज़्यादा लोग ऊँट में शरीक नहीं हो सकते। और अगर कोई किसी दूसरे फ़िका को फॉलो कर रहा है तो उस पर भी तंज ना करें, और उस पर भी लाजिम है कि इधर तंज ना करे वो। क्या कुर्बानी की रकम देने से कुर्बानी हो जाएगी? अगर कोई बहुत गरीब आदमी है तो क्या अपनी कुर्बानी की रकम इसको देने से वाजिब कुर्बानी जिम्मे से अदा हो जाएगी, या कुर्बानी करना ही ज़रूरी है? नहीं जनाब, कुर्बानी एक मखसूस इबादत है। देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा कि बेटे को ज़बह करो, तो हज़रत इब्राहीम ने ये तो नहीं कहा कि अल्लाह मैं इतने पैसे सदका कर देता हूँ जितनी बेटे की दियत बनती है। कोई इंसान किसी इंसान को कत्ल कर दे ना, तो उस कत्ल की इंसान की एक दियत बनती है, 100 ऊँट, और चांदी में अलग है, सोने में अलग है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये भी कह सकते थे अल्लाह मैं इतने रोज़े रख लेता हूँ या इतनी दियत दे देता हूँ। ना 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 जी, अल्लाह ने कहा है बेटा ज़बह, तो बेटा ही ज़बह होगा। वो फिर अल्लाह ने की रहमत थी कि बेटे को ज़बह होने से बचा लिया। तो कुर्बानी में भी अल्लाह ताला ने हमें जानवर ज़बह करने का हुक्म दिया है, तो जानवर ही ज़बह करना पड़ेगा। आपको उस गरीब की मदद का बहुत शौक़ है, अच्छी बात है, जज्बा बहुत अच्छा है, तो आप ऐसा करें कि कुर्बानी का जानवर ज़बह करके गोश खुद भी खाएं और उसको भी खिलाएं। फकुलु मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़कीर, कुरान कहता है उस गोश से खुद भी खाओ और मोहताजों को भी खिलाओ। सारा गोश मोहताजों को दे देना, खुद बिल्कुल ना खाना, ये भी खिलाफ सुन्नत है, क्योंकि बकरईद का दिन अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है, अल्लाह की तरफ से मेज़बानी है। आप किसी के घर मेहमान बन के गए, मेज़बान ने आपके सामने कोफ्ते ला के रखे, आपने सारे कोफ्ते उठा के गरीबों को सदका कर दिया, मेज़बान को गुस्सा आएगा, भाई मैंने तेरे लिए बनाए, तुझे मैंने दावत की और तू ऐसा तकब्बुर के सारा उठा के सदका कर रहे, खुद भी तो खा। तो इसलिए अल्लाह भी ये चाहते हैं, कुरान में अल्लाह ने कुर्बानी के गोश्त के बारे में फरमाया, खुद भी खाओ और गरीबों को भी खिलाओ। तो इसलिए खुद भी खाएं और गरीबों को भी खिलाएं, तो इस तरह से मदद करें। बाकी बकरईद के 3 दिन गुजर जाए तो फिर आप सदका करें, इस दौरान भी सदका कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी भी करनी पड़ेगी। और रिवायत में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्याम उज़हिया में, बकरईद के दिनों में अल्लाह को जानवर का खून बहाने से ज़्यादा कोई इबादत महबूब नहीं है। इसमें हिकमतें क्या हैं, इस पर मैं कई बार बयान कर चुका हूँ, मौका मिला दोबारा बताऊँगा। तो इसी में गरीबों का भी फ़ायदा है। देखिए कितना बिजनेस होता है इसमें गरीबों के लिए। जो मंडी आप कभी सोहराब गोट कराची की मंडी आके देखें, गरीबों को बिजनेस मिलता है। अगर बकरईद ना होती तो ये गांव देहातों के लोग जानवर पाल पाल के इनको इतना मोटा ताज़ा करके लाखों रुपए ना कमाते। मालदारों का पैसा खर्च होता है, उसका बहाव गरीबों की तरफ जाता है। मैंने ऐसे ऐसे गरीब लोग देखे हैं पूरे साल सिर्फ 4 बछड़े पालते हैं और सोहराब गोट में कराची की मंडी में आके बेचते हैं और कहते हैं पूरे साल बैठ के खाते हैं आराम से। तो इसमें गरीबों को अपाहज बनाने से बचाया है शरीयत ने। अब बकरे दुम्बे पालना गरीबों के लिए बहुत आसान है। जहाँ घास फूस हो वो एक डंडी लेके सुबह निकलें और चरा के ले आएं, उनको फ्री कॉस्ट, यानी उनके इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है इसमें। आपके पास बकरे खरीदने के पैसे नहीं, दूसरों की बकरियाँ चरा लें आप। तो गरीब को भी शरीयत अपाहज बनने से, माजूर बनने से रोकती है कि तुम भी बैठ के भीख ना मांगो, कुछ कर लो। तो गरीब आदमी अगर जानवर पाले और चराए बकरियाँ, पैगंबरों ने बकरियाँ चराई हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त उसके लिए कमाने का ज़रिया है। बकरईद में ला के बेच दे, मालदार लोगों के हाथ खुले हुए होते हैं बकरईद के दिनों में, खूब जानवर खरीद रहे होते हैं, तो गरीबों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो बकरईद गरीबों की भी है, अमीरों की भी है। गरीबों की यह है कि उनको गोश्त भी मिलता है, उनका बिज़नेस भी तरक्की करता है, पैसे कमाने का बेहतरीन मौका मिलता है। और अमीरों का क्या है कि वो सदका खैरात करते हैं, यानी जानवर खरीद के उसका गोश्त सदका करते हैं, जानवर ज़बह करते हैं, अल्लाह राज़ी होता है, हर बाल के बदले में उनको नेकी मिलती है। तो ये अमीरों का फ़ायदा है, ये सुन्नत इब्राहिमी ज़िंदा होती है। तो जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसी पर इक्तिफा करना चाहिए, अपनी तरफ से शरीयत के अहकाम को चेंज नहीं करना चाहिए।